MGGS एग्ज़ाम 2024 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जो आपको स्टाफ कॉर्नर आईडी पे मिलेंगे। यहाँ अपने स्टाफ कॉर्नर आईडी को लॉगिन करें। जिन कार्मिकों ने अपने पासवर्ड नहीं बदले हैं उनकी स्टाफ लॉगिन आईडी भी लॉगिन नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले पासवर्ड चेंज करें और उसके बाद यहाँ लॉगिन करें। स्टाफ कॉर्नर लॉगिन करते ही यहाँ जो तीन लाइनें दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पहला ऑप्शन आता है पोस्टिंग डेपुटेशन का, यहाँ क्लिक करेंगे और अब ऑप्शन आपके सामने आएगा इंग्लिश मीडियम का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपका एडमिट कार्ड यहाँ शो होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड के दो भाग हैं, जहाँ एक पे फ़ोटो दिखाई दे रही है और नीचे वाला जो भाग है यहाँ फ़ोटो आपको लगानी है। एग्ज़ाम सेंटर कॉपी, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो आपकी हाल ही की लेके जानी है और यहाँ आपको फ़ोटो खुद लगानी है, इसलिए यहाँ पे फ़ोटो का कॉलम नहीं आ रहा है। इसके साथ ही आपको एक अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, जैसे पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, ये लेके जाना है। और आपको सभी ऑप्शन 5 के 5 जो दे रखे हैं उनमें से एक फिल ज़रूर करना है। अगर आप चार ऑप्शन यानी सही गलत जो भी है उनसे नहीं करना चाहते हैं, ई ऑप्शन आपको करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, 10% से ऊपर पर्सन रह जाते हैं तो आपको AOK घोषित कर दिया जाएगा। और 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, आप उनके अनुसार पेपर करें। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो ये गौर कीजिए कि आपका जो फॉरम है उसके नीचे जहां आपने भरा है फॉरम सबमिटेड ऑन, ये डेट दे रखी है, इस डेट को फॉरम सबमिट हुआ है। लेकिन जिनके फॉरम्स ही सबमिट नहीं हुए वहाँ उनके आ रहा है फॉरम नोट सबमिटेड, यानी कि इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। यानी अगर आपके ये कंडीशन है और आपसे गलती हो गई है और आपने फॉरम सबमिट नहीं किया था तो अब कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म आएंगे तब आपको बता देंगे। वीडियो को देखने की या फिर सभी डिटेल ध्यान से पढ़ने की आदत डालें। और यहाँ पे जब हम फॉर्म भरते हैं तो दिया भी जाता है कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना होता है, इसलिए आप वेट करें, नेक्स्ट टाइम में जब अपडेट आएगा बता दिया जाएगा। इसके अलावा कोई आपको समस्या है, आपके सेंटर से संबंधित कोई समस्या है तो ग्रुप में आएँ ताकि शिक्षक साथियों द्वारा हेल्प कर दी जाएगी। धन्यवाद।